नमामि गंगे के तहत पीएम मोदी का गंगा को निर्मल और अविरल बनाने का प्रयास रंग लाता दिख रहा है। मेरे लिए गंगा की सफाई जिस प्रकार से एनवायरनमेंट का विषय है, गंगा की सफाई श्रद्धा का विषय है, गंगा की सफाई सांस्कृतिक विरासत का विषय है और इसलिए उस काम को हमें करना है। वो गंगा जो पवित्रता की प्रतीक है, विगत कुछ दशकों से इसकी पहचान गंदगी बन गई थी, लेकिन पिछले 5 सालों में मोदी सरकार द्वारा गंगा को अविरल बनाने की मुहिम गंगा को पुनः शुद्धता और पवित्रता की ओर ले जा रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर में गंगा बैराज से शेखुपुर तक लिए गंगा जल के सैंपल की जांच में शुभ संकेत दिखाई दिए हैं। प्रदूषण से राहत की संजीवनी मिलने पर मां गंगा फिर से खिलखिला उठी है। गंगा में घोंघा, झींगा और सीप की बड़ी तादाद बता रही है कि गंगा का जल निर्मल हुआ है और जल में खुले ऑक्सीजन का लेवल भी खासा बढ़ गया है। गंगा में जलीय जंतु बढ़ने की रिपोर्ट सामने आने से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अफसरों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। गंगा बैराज और शेखुपुर में गंगा जल के नमूनों की हुई जांच में 1 फरवरी से लेकर अब तक के आंकड़ों के मुताबिक जाना गांव, ड्योढ़ी घाट और जाजमऊ पुल पर गंगा में घोंघा, सीप व झींगा का विचरण बढ़ा है। यहां साल 2014 में घुलित ऑक्सीजन औसतन 6.5 मिलीग्राम प्रति लीटर थी, जो अब बढ़कर 11 मिलीग्राम प्रति लीटर के करीब पहुंच गई है। 6 साल पहले रोगजनक बैक्टीरिया की मात्रा अधिकतम 99,000 प्रति 100 मिली थी, जो अब 35,000 प्रति 100 मिली रह गई है। यहां आपको बताते चलें कि जल में पर्याप्त घुलित ऑक्सीजन की मात्रा रहने पर ही जलीय जंतु जीवित रहते हैं। केंद्र में पहली बार सरकार बनने के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदूषित हो चुकी पतित पावनी गंगा नदी को अविरल और निर्मल बनाने का संकल्प लेते हुए नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। इसी के तहत गंगा की सफाई से लेकर घाटों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, तो वहीं गंगा में पहले से गिरने वाले सीवेज के प्रवाह को भी पहले गंगा किनारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए शुद्ध करने के बाद ही उसे गंगा में प्रवाह होने दिया जा रहा है। नमामि गंगे के तहत किए जा रहे इन्हीं प्रयासों से अविरल और निर्मल गंगा का सपना आज पूरा होता दिख रहा है।